नमस्कार, आप सभी का इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो लीजिए, ये मैंने 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने काट लिया है ऐसे छोटे छोटे क्यूब में। तो इसका सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिनको मैं इस जार में डाल लूँगी पीसने के लिए। पहले हम मसाला ही तैयार करेंगे। और 2 से 3 ये हरी मिर्ची जो मैंने काट ली थी, और ये कलर के लिए मैंने लाल मिर्ची ली है, इसको भी इसी में डाल देंगे। अब हम इस मसाला ये पीस करके हम तैयार करेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने ये तेल डाल दिया है। मैं सरसों के तेल से बना रही हूँ सब्जी। आप जिस तेल से बनाना चाहें आप उससे बना सकते हैं। सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, ये अभी कच्चा है तो इसको हम गरम करेंगे। जब इसका ये हल्का सा पीलापन, ये पीलापन कम हो जाएगा तभी इसमें हम आगे और मसाले डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे ये कुछ मसाले हैं। बड़ी इलायची मैंने उसके दाने लिए हैं खोलकर, और काली मिर्च 7 से 8, लौंग 3 से 4, 2 हरी इलायची और ये दालचीनी की लकड़ी। इन मसालों को हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, और उसके बाद डाल देंगे इसमें हींग, टेस्ट बढ़ाने के लिए हींग। और उसके बाद जो मैंने ये प्याज काटी थी बारीक बारीक, इसको भी हम डाल देंगे इसी में। लीजिए, अब प्याज को हम भून लेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज होगा थोड़ा सा, तब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और आगे और मसाले डालेंगे। जब तक ये प्याज भून रहा है तब तक हम अपना मसाला इसमें डालने के लिए बना लेंगे। तो चलते हैं मसाला बनाने के लिए। उससे पहले हम ये बटर है ना, तो मैंने इसमें 1 चम्मच ही बटर डाल दिया है। जी, इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं। पहले जो हमारे पुरखे करते थे उसी हिसाब से मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है, और धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के इसको भी डाल दिया है, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच ही जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे हम घोल लेते हैं। इसको घोल लेंगे। ताकि ये फूल भी जाएगा और मसाले हमारे उस जो हम डालेंगे उसमें तो जलेंगे भी नहीं। पहले ऐसे ही करते थे हमारे बुजुर्ग, उसी हिसाब से मैंने ये किया है। लीजिए, ये मसाला अब तैयार है। अब प्याज भुन गया होगा तो उसकी तरफ हम चल। देखिए, ये प्याज भुन चुका है तो इसमें हम लहसुन और अदरक जो मैंने मोटा मोटा कर लिया था इसको भी इसी में हम भून लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए भून, और इसमें हम ये 1 चम्मच कसूरी मेथी अभी डाल देंगे इसमें। तो ये भी इसके साथ सिक जाएगी, भून जाएगी। लहसुन अदरक भी इसके साथ, प्याज के साथ भून चुका है। तो जो हमने ग्रेवी बनाई है टमाटर वाली, ये टमाटर मिर्ची की, देखिए कितना अच्छा कलर आया, देखिए। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको डाल दिए, थोड़ा सा इसे धुल के, और इसी में हम इसे भी जो जार में लगाया मसाला उसे धुल के हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के, और इसका मसाला वेस्ट ना हो इसीलिए मैं इसे इसमें डाल दूँगी। देखिए, मैंने इसको भी डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे ताकि ये मसाला पकना शुरू हो जाए। देखिए,
अभी थोड़ी देर पकेगा। टमाटर जो पेस्ट बनाया था टमाटर का, आधी मिर्ची का, उसे हम ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं भुनते भुनते। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने ये मसाला तैयार किया था, तो इसको हमें अब इसमें डालना है। देखिए कितने फूल के ज़्यादा हो गए हैं, तभी तो हमारे जो पूर्वज थे पुरखे थे वो पहले ही, इसीलिए तो मसाला पहले फूम भिगो कर रखते थे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इसको मसाले को तेल रिलीज होने तक ऐसे ही हम बराबर भूनते रहेंगे। और जब तक ये मसाला भूनता है, होता है तैयार, तब तक हम इधर पनीर ऐसे ही थोड़ी बटर पनीर बनेगी, तो फिर चलते हैं पनीर को बटर में सेकने के लिए। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब इस पनीर में हम डालेंगे पहले सबसे पहले थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और हम डालेंगे इसमें हल्दी ताकि ये बढ़िया सा कलर इनहेंस करे। अब इसको हम धीरे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ये टूटे ना। लीजिए ये तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो ये मैंने काजू 15-20 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे, 8 से 10 काजू हैं। अब जो ग्रेवी हमारी बनेगी बटर पनीर की, तो ये उसमें अपना अलग ही कलर दिखाएगा, टेस्ट आएगा इससे। तो इसे अब हम पीस लेंगे इस जार में डाल के। लीजिए ये मसाला भुन गया है। और अब इसका कमाल, काजू इतने थोड़े से काजू हैं, और लीजिए इसका कमाल देखिए आप, बढ़िया ग्रेवी बनेगी। और आप काजू डालने के बाद इसको बराबर से हिलाते रहें, नहीं तो काजू जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। और आप जैसे ग्रेवी चाहें उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दें। लीजिए इसको बराबर इसी तरह से हिलाना है, नहीं तो ये काजू लग जाएंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और काजू मुझे 2 से 3 मिनट बराबर ऐसे ही पकाना है, क्योंकि काजू का अपना जो टेस्ट होता है वो मसालों में मिल जाए, तभी तो इसका सब बढ़िया मैजिक होगा काजू का। देखिए तो इसे हम ऐसे ही 2 से 3 मिनट भून लेंगे। लीजिए मैंने जब पे वो मसाला होता है काजू वाला, जिसमें काजू डाला है, इसमें ये तो बटर डाल लिया है मैंने अच्छे से, बढ़िया बटर पनीर है तो बटर तो इसमें होना ही चाहिए। लीजिए अब जो मैंने पनीर तैयार की थी, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया पनीर को, तो इसको भी इसी में हम डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है ताकि ये बटर जले ना। अब इसको हम इसी तरह से इसे धीरे धीरे ऐसे करके भून लेंगे, ये टूटे भी ना और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए। देखिए तो लीजिए ये अब हमारा बटर सिक्के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं उस ग्रेवी में इसे डालने के लिए। की ग्रेवी कितनी बढ़िया हो चुकी है। लीजिए ये हुआ बटर पनीर गया इसमें। अब इसे धीरे से हल्के हाथ से इसी में मिक्स कर देंगे। इसमें ये गया हरा धनिया। लीजिए ये हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मलाई और डालना अभी बाकी है। लीजिए अब हम इसमें डालेंगे ये ताजी पनीर, सॉरी ताजी मलाई, ये डाल लेते हैं इसमें।
इसको करेंगे हम मिक्स। ये तैयार हो गया। वो पनीर जो बनाते हैं उससे कहीं अच्छा, कहीं टेस्टी और जल्दी बनने वाला ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में खाली करें। जी ये बेहतरीन स्वादिष्ट ये पनीर, बटर पनीर बनके रेडी हो गया खाने के लिए। लीजिए, आप सभी इसे एंजॉय किए और इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप बनाएंगे ना तो सभी लोग जो खाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि आपने बहुत ही अच्छा सावित्री मुझे बटर पनीर बनाना बताया। आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप प्लीज़।